अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमपी बोर्डशाला। आई एम नौरीन अंसारी और आज की जो हमारी वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 7 की, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये चैप्टर्स पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए गए हैं विद क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन के साथ। तो आज हम जो चैप्टर समझने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7, जिंदगी में खेलों की अहमियत। इसको हम पढ़ेंगे भी, इसका खुलासा करेंगे और इसके फिर क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है कि वीडियो कितनी मेहनत से बनती है, कितनी मेहनत से वीडियो बनती है, तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 7, जिंदगी में खेलों की अहमियत। तो सबक का खुलासा देख लेते हैं पहले, तो कि सबक का खुलासा क्या है। इस मजमून में खेलों की अहमियत और मालूमात पर रोशनी डालते हुए बताया गया है कि खेलों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, जो खेल है उनको दो भागों में बांटा गया है। अब पहला क्या है, पहला इंडोर और दूसरा आउटडोर। शतरंज, लूडो, कैरम, सांप सीढ़ी वगैरह इंडोर, जबकि फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, हॉकी वगैरह आउटडोर खेल कहलाते हैं। ठीक है, क्रिकेट सारी दुनिया का मकबूल तरीन खेल है। आज के नौजवान पीढ़ी में क्रिकेट का जुनून सा छा गया। आज होगा ये आज, ये का नहीं है, ये जी में। आज की नौजवान पीढ़ी में क्रिकेट का जुनून सा छा गया। खेल हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। ये जिस्म को चुस्त और ताकतवर बनाने के साथ ही ये हमारी दिलचस्पी और तफरी का सामान होते हैं। खेलों के जरिए हमारे अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर काम, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये होगा मिलकर काम करने की सलाहियत पैदा होती है। इसके अलावा दोस्ताना ताल्लुकात में भी इजाफा होता है। खेलों से इत्तेफाक और इत्तेहाद के जज्बात भी पैदा होते हैं। खेलों के जरिए इंसान अपने ऊपर एतमाद करना सीख जाता है, एतमाद मतलब यकीन, भरोसा करना सीख जाता है। खेलों की अहमियत के साथ मजमून निकारी ने खिलाड़ियों को ये नसीहत भी की है कि जो मजमून लिखा है, मतलब ये चैप्टर जिसने लिखा है, उन्होंने एक नसीहत भी की है कि खेल के वक्त खिलाड़ी को अपने ऊपर पूरी तरह काबू रखना चाहिए। खेल में हार और जीत दोनों होती हैं। जीत के वक्त हमें अपनी खुशी और हार के वक्त अपने जज्बात को काबू में रखना चाहिए। जिस खिलाड़ी को अपने जज्बात पर काबू नहीं, वो कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। खेलों से हमारी ज़िंदगी में ईमानदारी, इंसाफ और सच्चाई जैसी बेशकीमती खसूसियात पैदा होती हैं। खेल हमारी ज़िंदगी के लिए बास रहमत हैं। खेलों के बारे में एक मकला राइज है कि जिस मुल्क में खेल के मैदान आबाद होंगे तो उनके अस्पताल वीरान होंगे, और जिस मुल्क के खेल के मैदान वीरान होंगे उनके अस्पताल आबाद होंगे। तो मुश्किल अल्फाज, उसूल, कायदा मुकर्रर करना, अलग-अलग अलग अलग जज्बा मंजर यहाँ पर नमूदार होना, अलामत निशान, आज़ा आज़ू की जमा है, यह मुश्किल अल्फाज हो जाएंगे। फिर फर्स्ट मारूजी सवाल सही जवाब चुनकर लिखिए। इसमें आउटडोर खेले क्रिकेट, आउटडोर मतलब जो घर के बाहर खेले जाते हैं। आप क्रिकेट हुआ घर में नहीं खेल सकते, पिटाई लगेगी बहुत, तो इसलिए आउटडोर गेम जो घर के बाहर खेले जाते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि लूडो हुआ आप घर में खेल सकते हो, कैरम हुआ आप घर में खेल सकते हो। तो तलबा की दिमागी और जिस्मानी सलाहियतों की नशूदनुमा होती है तालीम से। फिर मंदरजा ज़ैल अल्फाज की मदद से खाली जगह भरी है। हर खेल के अलग-अलग कायदे और उसूल होते हैं। खेल में जीत और हार दोनों होती हैं। अच्छा खिलाड़ी सख्त से सख्त मुसीबत का हंस कर मुकाबला करता है। खेलों में जिस्म और दिमाग दोनों को चौकन्ना रहना पड़ता है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन कमजोरी की अलामतें। सवाल नंबर 2 है, सवालों जवाब देना है इसमें। आज के नौजवान पीढ़ी में किस खेल का जुनून सवार है, वो सब जानते हैं, क्रिकेट। आज की नौजवान पीढ़ी में क्रिकेट का जुनून सवार है। कोई भी दो आउटडोर गेम खेलों के नाम लिखे, तो फुटबॉल और कबड्डी आउटडोर खेल है। खेलों को कितने हिस्सों में तकसीम किया है, दो। हमने चैप्टर पढ़ा है तो हम ये सारे आंसर्स दे सकते हैं। एक अच्छे खिलाड़ी का मिजाज कैसा होना चाहिए, एक अच्छे खिलाड़ी का मिजाज दोस्ताना होना चाहिए और उसे अपने ऊपर काबू रखना चाहिए। खेलों से हमें क्या फ़ायदे हैं, खेल हमारे जिस्म को चुस्त और ताकतवर बनाते हैं। ये हमारे लिए दिलचस्पी और तफरी का जरिया होते हैं। इनके अलावा खेलों से हमारे अंदर ईमानदारी, इंसाफ और सच्चाई जैसी खसूसियात पैदा होती हैं।
सवाल नंबर 6 है, खेलों से इंसान की ज़िंदगी में कौन सी खसूसियात पैदा होती हैं? खेलों के ज़रिए हमारे अंदर एक दूसरे के साथ काम करने की सलाहियत पैदा होती है, दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफा होता है, आपसी इत्तेफाक और इत्तेहाद के जज्बात पैदा होते हैं, आपसी हमदर्दी, मिलजुल कर काम करने की सलाहियत, वक्त की पाबंदी जैसी मुख्तलिफ मतलब तरह तरह की खसूसियात पैदा होती हैं। सवाल 7 है, एक अच्छा खिलाड़ी मुसीबत का मुकाबला कैसे करता है? एक अच्छा खिलाड़ी मुसीबत के वक्त भी अपने ऊपर काबू रखता है, उसे हिम्मत और हाजिर दिमागी से काम लेकर मुसीबत का मुकाबला करता है। खेलों से मुतालिक कौन सा मकूला राइज है? खेलों के मुतालिक ये मकूला राइज है कि जिस मुल्क में खेल के मैदान आबाद होंगे उनके अस्पताल वीरान होंगे, और जिस मुल्क के खेल के मैदान वीरान होंगे उस मुल्क के अस्पताल आबाद होंगे। सवाल नंबर 9 है, खेल हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा, ज़िंदगी में खेलों की क्या अहमियत है, वजाहत करना है। तो खेल हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के लिए मुफीद साबित होते हैं, ये हमारे जिस्म को चुस्त और ताकतवर बनाते हैं, ये हमारे लिए दिलचस्पी और तफरी का सामान है, खेलों के ज़रिए हमारे अंदर दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफा और इत्तेफाक और इत्तेहाद के जज्बात पैदा होते हैं। इनके अलावा खेलों से एक अहम फ़ायदा ये है कि उनके ज़रिए इंसानों में ईमानदारी, सच्चाई जैसी बेशकीमती खसूसियात भी पैदा होती हैं। फिर कवायद, कवायद मतलब ग्रामर, ग्रामर में दिया है कि दिए गए अल्फाज के वाइद, वाइद मतलब होता है एक और जमा मतलब होते हैं एक से ज़्यादा। तो खासियत खसूसियात, खेल खेलों, एहसास एहसासात, जज्बा जज्बात, खिलाड़ी खिलाड़ियों, ताल्लुक ताल्लुकात। फिर मंदरजा अल्फाज के इमला सही करना है, मतलब आपको गलत लिख कर दिया है आपको सही लिखना है। खेल दिया है खेल, असूल असूल, फ़ायदा फ़ायदा लिखा है फ़ायदा, जिंदगी जिंदगी, मुनासिब मुनासिब, दिमाग दिमाग। तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और वही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।